Assalamu alaikum dear students, here is your English teacher from class 8. Students, today we are doing the translation of unit number 7 from your English textbook and the topic is Clever Meets You. Students, today we are going to do the translation of paragraph number 9. With that, he cut the trees with his axe. इसके साथ ही उसने कुल्हाड़ी से दरख्त काटे एंड सेट हिज सेवन सन्स टू वर्क और अपने सातों बेटों को काम पर लगा दिया. व्हाइल द बॉयज वर गैदरिंग एज मैनी स्टिक्स एज दे कुड, जिस वक्त लड़के लकड़ियां जमा कर रहे थे जितनी वो कर सकते थे. द वुड कटर नोडेड टू हिज वाइफ, लकड़हारे ने अपनी बीवी को सर का इशारा किया. एंड द टू ऑफ देम जस्ट स्नीक्ड अवे, और वो दोनों चुपके से वहां से निकल गए. द बॉयज फेल्ट अ काइंड ऑफ शडर, लड़कों पर एक किस्म का खौफ तारी हो गया. दे बिगैन टू शाउट एंड कॉल फॉर देयर फादर, उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया और अपने बाप को बुलाना शुरू किया. थिंकिंग दैट ही माइट बी प्लेइंग सम काइंड ऑफ ट्रिक विद देम, वो ये सोच रहे थे कि शायद वो इनके साथ कोई शरारत कर रहा है. व्हेन हाउएवर ही डिड नॉट अपीयर फॉर क्वाइट सम टाइम, दे रियली फेल्ट फ्राइटन्ड, अलबत्ता जब वो काफ़ी देर तक ना आया तो वो हकीकी तौर पर खौफजदा हो गए. एंड बिगैन टू क्राई बिटरली, और जोर शोर से रोना शुरू कर दिया. देन द क्लेवर मिर्चू सेट, तब हुशियार मिर्चू ने कहा, डोंट वरी बॉयज, परेशान ना हो लड़को, आई नो द वे होम, मुझे घर के रास्ते का पता है. ऑल वी हैव टू डू इज टू फॉलो द ट्रेल ऑफ द वाइट स्टोन्स, हमें सिर्फ इतना करना है कि सफेद पत्थरों के निशान पर चलना है. फादर इज नॉट गोइंग टू कम, बाप अब नहीं आएगा. मिर्चूज ब्रदर हाउएवर डाउटेड व्हाट ही सेड, मिर्चू के भाइयों को उस पर शक हुआ जो कुछ उसने कहा. एट दिस ही रिपीटेड व्हाट देयर फादर हैड सेड द नाइट बिफोर, इस पर इसने गुज़िश्ता रात की बातें बताई. एंड टोल्ड देम हो ही हैड फिल्ड हिज पॉकेट्स विद द स्टोन्स, और उन्हें बताया कि किस तरह उसने अपनी जेबों में पत्थर भरे. एंड ड्रॉप देम वन बाय वन ऑन द वे, और एक एक करके उन्हें रास्ते पर फेंका. सो द मिर्चू लेट हिज ब्रदर्स थ्रू द डीप फॉरेस्ट, और इस तरह से मिर्चू उन्हें घने जंगल में ले गया. एंड अलोंग द वाइंडिंग पाथ, बलकते रास्तों पर, एंड अंटिल दे रीच द कॉटेज, और वो अपनी झोंपड़ी में पहुंच गए. परहैप्स वी आर नॉट गोइंग टू बी वेलकम, शायद हमें खुशामदेद ना कहा जाए. मिर्चू सेट सॉफ्टली, मिर्चू ने आस्तीगी से कहा, लेट अस वेट आउटसाइड द कॉटेज फॉर अ वाइल, आइए कुछ देर हम झोंपड़ी के बाहर इंतजार करते हैं. एंड सी इफ वी कैन हियर व्हाट फादर एंड मदर आर टॉकिंग अबाउट, और अगर हम सुन सके तो देखते हैं कि माँ और बाप किसके मुतालिक बातें कर रहे हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स.